हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक और नया डिफरेंस है जो कि हम अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी ये डिफरेंस अच्छा होता है जो कंपनीज अकाउंटिंग मतलब के फील्ड में है, या फिर जो अभी क्लास 12th में है और वो सेकंड वॉल्यूम नंबर सेकंड यानी जो कंपनी अकाउंट की जो बुक है उसमें पहुँच गए हो, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। चलो उसको फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। हमने तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस तो बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर हमारी प्लेलिस्ट पे जाओ तो आपको तकरीबन काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिलने वाले हैं जो कि 11th क्लास से शुरू हो जाते हैं और MCOM MBA लेवल तक के डिफरेंस क्या है यहाँ पे डालने पे लगे हुए हैं। तो आपको सारे डिफरेंस काफ़ी यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, और जो डिफरेंस ना भी मिले ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर फटाफट से आपके लिए एक डिफरेंस बना करके रख दूंगा ताकि आपको आसानी से डिफरेंस याद हो जाए। क्लियर? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो ओवर, देखो ओवर मतलब क्या हो गया, देखो ओवर मतलब थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होता है ना ओवर मतलब, और अंडर मतलब होता है कम। तो यहाँ पे ओवर और अंडर ये दो हमारे पास है। तो देखो सब्सक्रिप्शन मतलब हो गया पैसा, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो गया इतने से पैसा। अगर हम MPO अकाउंटिंग में बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या है, इसका मतलब चंदा होता है यानी पैसा आना, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब वही है कि कितने शेयर सब्सक्राइब है और कितने से पैसा आया क्या नहीं आया उसकी बात कर रहा है। तो फटाफट से बात करते हैं। तो उसमें लिखा है इट इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है वेयर अ कंपनी रिसीव्स मोर एप्लीकेशंस। देखो लिखा हुआ है इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी रिसीव्स मोर एप्लीकेशन, यानी कंपनी को बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। मान लो कि आपका थोड़ा शेयर्स हटा करके, मान लो कि अगर आपका घर बनाने का है यानी आपको फ्लैटिंग का काम है और आपने 100 फ्लैट बनाए, बट जरूरी है एप्लीकेशन 100 के लिए आए, ये भी तो हो सकता है कि 150 के लिए आ जाए, 150 लोग अप्लाई करते हैं। ये भी हो सकता है कि उन घर को लेने के लिए, उन फ्लैट्स को लेने के लिए 100 की जगह पे क्या सिर्फ 70 लोगों ने अप्लाई किया हो, तो ओवर भी हो सकता है अंडर भी हो सकता है। सबसे पहला जो केस है ना, ऐसी शेयर्स में भी होता है, कभी कभी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो कभी कम हो जाती है, कम रह जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी को रिसीव हो रही है मोर एप्लीकेशंस, कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन मिल रही है फ्रॉम शेयर बायर्स, यानी जो शेयर को खरीदना चाहते हैं उनके उनके हिसाब से एप्लीकेशन आ गई है, यानी उन्होंने हमारे यहाँ क्या है कंपनी में एप्लीकेशन डाली है कि उनको शेयर मिले, ठीक है। देन द नंबर ऑफ शेयर्स मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक, यानी किससे, जो आपने सोचा था कि इतने शेयर्स आप मतलब वो इशू करने वाले हो और जो लोग हैं यानी जो बायर्स हैं वो उससे ज़्यादा एप्लीकेशन दे चुके हैं, यानी आपने 1 लाख का इशू लेके आने की बात कर रहे थे, आगे पैसे 1.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो इसको कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से देना, आपने 1 लाख का इशू लेके आए हो बट वहां से जो एप्लीकेशन आई है वो मान लो 1.5 लाख या 1,20,000 की आ गई है, तो वो 1 लाख से ज्यादा हो गई, इसको कहते हैं ओवर सफिशिएंट। यानी हमने बोला इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंपनी रिसीव्स मोर एप्लीकेशन, यानी कंपनी को यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेशन मिल रही है फ्रॉम शेयर बायर से, देन द नंबर ऑफ शेयर मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक, यानी किससे, जो आपने पब्लिक को अवेलेबल करने की सोची थी उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ पे क्या, इट इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी जो शेयर अप्लाइड हुए बाय द पब्लिक, पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो क्या लेस, यानी इस बार पब्लिक ने कम किया, देन द शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, यानी कंपनी जो शेयर इशू करने की सोच रही थी, मैंने 1 लाख के इशू की बात की थी बट पब्लिक ने सिर्फ 80,000 ही करे, तो उसको हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? नंबर टू, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कंपनी डज नॉट फेस सच अ प्रॉब्लम, ऐसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, ऐसे लिखा होता है ना बुक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इतना पैसा आना ही आना चाहिए, इतना सब्सक्राइब होने ही होने चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा ही आ गई ना एप्लीकेशन, जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा पैसा आ गया, तो ऐसी मिनिमम वाली प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली, बट यहाँ आ जाएगी कंपनी में फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपने जितना इशू लेके आए उससे कम पैसा आया, अब वो मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट कर पा रहा है या क्या, वो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे देखना पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसा पढ़ो देखो कि यहीं पे याद हो जाए, ठीक है, आपको कहीं और डिफरेंस के लिए फिर दोबारा भागना ना पड़े, इसलिए मैं आराम से रिपीट कर रहा हूँ हर एक चीज को। और देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, दो पॉइंट्स मैंने अभी पढ़ाए हैं कि मेन पॉइंट्स है दोनों दोनों। पहला, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशन मिल गई है, किससे, जितना शेयर बायर से, किससे, जिसने बोला कि शेयर बायर से, देन द नंबर ऑफ शेयर्स मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक, यानी जो उन्होंने पब्लिक के लिए अवेलेबल किया था अमाउंट, यानी इतना शेयर हम इशू करेंगे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, वो ये केस है। जितना आपने पब्लिक के लिए इशू की सोची थी उससे कम अगर आपको आए हैं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। क्लियर? यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं आती है बट यहाँ पे आ जाती है। आगे शेयर अप्लाइड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यानी जो शेयर अप्लाई किए पब्लिक ने वो इसमें ज़्यादा होते जो पहले से मैच करती लाइन, ठीक है, शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक, ठीक है, वो मोर देन होते हैं, किससे, जो हमने ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, हमने तो भाई 1 लाख ऑफर किए थे
पर आगे 1.5 लाख, तो ये हमारा केस है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो है, जो पब्लिक ने अप्लाई किए वो लेस होते हैं देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। मैंने तो 1 लाख के सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किए, मतलब ऑफर्ड किए थे पब्लिक को, है ना, बट पब्लिक ने क्या करा, 80,000 ही दिए खाली, 80,000 अप्लाई किए मतलब जो भी किए, तो वो लेस देन वाले केस में आ जाएगा। क्लियर। प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। डीप हम कंपनीज अकाउंटिंग में जाएंगे, अभी मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्लियर, क्योंकि हम जब कंपनी अकाउंटिंग करते हैं वहां पर हम इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाता है, यानी वो जो अमाउंट एक्सेस आया है उसको कैसे आगे सेटल्ड करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ उस अमाउंट का यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको रखना है, ठीक है, वो यहाँ पे सोचा जाता है, यानी किस कैसे उसको प्रोराटा करना है, क्लियर। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट की बात आएगी नहीं, नो प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे तो पहले जब पैसा ज्यादा आता है ना तब प्रोराटा की बात होती है, क्लियर है, कि उनको किस बेसिस पे कितनों को कितना शेयर देना, वो प्रोराटा वहां पे देखा जाता है जब ज्यादा आता है, बट प्रोराटा जब पैसा ही कम आया तो प्रोराटा की बात यहाँ पे तो होगी नहीं, क्लियर है ना। लास्ट पॉइंट रिफंड की अगर हम बात करें, उसके बावजूद अगर एक्सेस पैसा बच जाता है, यानी जो एक्सेस पैसा एप्लीकेशन जो आया है, तो आप उसको रिफंड करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, या फिर हमने बोली दिया उसको, आप उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, तो आप एक्सेस पैसे को रिफंड करोगे, इसमें तो एक्सेस आया ही नहीं, तो रिफंड वाली बात आएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑल द एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो ही जाती है, तो एक्सेस मनी वाली बात यहाँ पे आएगी ही नहीं, ठीक है, तो नो एक्सेस मनी इज टू बी रिफंडेड, क्लियर। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है इन 5 पॉइंट्स में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, उस कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको बता दूंगा क्या करना था, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई कंप्लीट है, 5 अच्छे खासे डिफरेंस हमने पढ़ लिया और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। अगर इसके ऊपर पूछता है तो आपको ये लिखने के लिए भी मिल जाएगा, ये पूछेगा तो ये भी लिखने के लिए मिल गया, और अगर डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ना एक और टॉपिक उठाएंगे, देखते हैं 11वीं का होगा, 12वीं का होगा, या किस लेवल का होगा, ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जैसे कोई भी टॉपिक मिलेगा मैं फटाफट से इसके लिए डिफरेंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।